खरगोन में अवैध रेत उत्खनन को लेकर खनिज विभाग की टीम ने बीती रात एक जेसीबी सहित दो ट्रैक्टर ट्राली को पकड़ा है। नर्मदा किनारे कसरावत के अमलासा गांव के पास रात के अंधेरे में अवैध रेत का उत्खनन हो रहा था। मुखबिर की सूचना पर बीती रात कड़कड़ाती ठंड के बाइक से खनिज अधिकारी सावन सिंह चौहान की अगुवाई में खनिज विभाग की टीम ने कार्यवाही को अंजाम दिया। जब तक तीनों वाहनों को खनिज विभाग ने कसरावत थाने में पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर खरगोन जिले में अवैध रेत उत्खनन, परिवहन और भंडारण को लेकर लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी देर रात खनिज विभाग की इस कार्यवाही में नर्मदा किनारे अवैध रेत उत्खनन करने वाले माफियाओं में हड़कंप मच गया। खनिज अधिकारी सावन सिंह चौहान ने मीडिया को बताया कि दिन में मुखबिर से सूचना मिली थी कि रात के अंधेरे में नर्मदा किनारे कसरावत क्षेत्र के अमलाथा में अवैध रेत उत्खनन होता है। कसरावत से टीम ने बाइक में पहुँच कर कार्यवाही को अंजाम दिया है। मध्य प्रदेश खनिज नियम 2022 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की जा रही है। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। आज कार्रवाई की है, कौन से गांव में की है, कितने वाहन पकड़े सर जी? कसरावत क्षेत्र के लेपा के पास में अमलथाम गांव है, नर्मदा किनारे। वहां पर हमको एक मुखबिर से सूचना मिली कि रेत से अवैध उत्खनन हो रहा है। हम लोगों ने हमारे अंदाज में बाइक से हम लोग पहुँच गए वहाँ पर और देखा कि एक जेसीबी और दो ट्रैक्टर वहाँ पर अवैध उत्खनन में लिप्त थे। हमने तत्काल उसको जब्त किया और यहाँ कसरावत थाने में लेके आए और उसको मैं पुलिस थाने की अभिरक्षा में दिया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।